रसगुल्ली बहुत नाराज है हम तुमसे। अरे इतने दिनों में एक बार भी फोन नहीं किया तुमने। हमसे पूछे, जमीन पे पाँव रगड़ते रगड़ते ना हालत खराब हो गई है हमारी। किचन के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, समय का कुछ पता ही नहीं चलता। खैर हमारे छोड़ो, आप बताइए कानपुर में क्या रंगबाजी चल रही है? रंगबाजी सजाए काला पानी झेल रहे हम, यहाँ पे भी दिल्ली जैसा ही बंद है। ओहो, अरे तो बोर क्यों हो रही है, ये टाइम एंजॉय करिए बाबा। अरे जानू की जान निकल गई है घर पे बैठे बैठे। इनकी जवानी ढल सी गई है, देखना उसने मुरझा गया है। अरे हमारी हुस्न की मलिका, अभी तक तो ना आप अपने हुस्न से लोगों को घायल करती थी, कहीं बाहर निकल गई तो जानलेवा हो जाएंगी आप। तो घर में रहिए और लोगों की जान बचाइए। मुझे कौन सा वायरस हुआ है? अरे बाहर जाऊंगी, चार लोगों से मिलूंगी, घूमूंगी और उन्हें भी कुछ बताऊंगी ना, तो जरा जान में जान आ जाएगी। अरे यही सोच तो गलत है ना दादी। देखिए पहले हम लोग सिर्फ रिश्ते निभाते थे, लेकिन अब रिश्ते निभाने के साथ साथ जान भी बचानी जरूरी है, इसलिए एक दूसरे से मिलना नहीं, क्योंकि ये वायरस ऐसे ही फैलता है। सत्संग में जाके कोई थोड़ी सी गॉसिप कर दे तो क्या होगा है? कुछ नहीं होता। कोई सत्संग वत्संग में नहीं जाना है आपको, ठीक है? अरे सत्संग में जाएंगी, गॉसिप करेंगी और मुंह फाड़ फाड़ के हंसी ठिठोली करेंगी, जिसमें से कुछ लोगों को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होगा, वो जाके 10 लोगों में फैलाएंगे। तो इसलिए हमारी बात मानिए और ब्रेक द चेन। सुना मैंने प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के कहा था। ठीक है बाबा, नहीं जाती बाहर में। अच्छा तू बता फोन कैसे किया तूने? दादी आपने खुद को किराना वाला समझ के रखा है। खस्ते कचौरी बनाने जा रहे थे आज, अर्जुन जी का खाने का बड़ा मन था तो सोचा आपसे रेसिपी पूछ ले। अरे मेरी बच्ची। अच्छा ये बता वो मद्रासी लंबू कैसा है? ठीक है, बेबस लाचार। मतलब? कमरे में बंद करके रखा है मैं। क्यों पिंकी? वो अच्छा तू तो सीधे कुछ बताएगी नहीं मुझे, मैं अर्जुन से ही बात करती हूँ। दे अर्जुन को फोन, उसी से पूछ लेती हूँ मैं। ठीक है। हेलो दादी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल आजाद हूँ। मैंने सुना है पिंकी ने तुझे कैद करके रखा है। हाँ वही तो, और मेरे साथ ऐसा सलूक करिए जैसे मेरा नाम अर्जुन नहीं कोरोना है। अरे तो क्वारंटीन पे हैं आप, कितना छींक रहे थे। तुम ही कल काली मिर्च पीस रही थी ना, उसकी वजह से। उसके बाद मुझे कोई छींक आई क्या? फिर क्यों बंद करके रखा है मुझे? क्योंकि हमें आपके छींक और चीख दोनों से बहुत प्रॉब्लम है। या तो आप छींकते रहते हैं या हम भी और नंदू भी छींकते रहते हैं, तो बंद रहिए ना वहीं पे। पिंकी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हाँ पता है, बूढ़े हो गए हैं आप और इसीलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरस बच्चों और बूढ़ों पे कुछ ज्यादा ही असर करता है ना दादी? अच्छा एक बार मुझे इस रूम से बाहर निकलने दो, फिर मैं तुम्हारे दिमाग का बुखार उतारता हूँ, देखना। लगता है हमें भी बुखार आने वाला है, तो खोली दरवाजा निकाले आपको। नहीं मैं इसी रूम में ठीक हूँ, तुम अपने आप को रूम में बंद कर लो और प्लीज मुझसे दूर रहना। देख रही है दादी, खुद ही कह रहे हो। आए मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम दोनों को, तुम दोनों की तू मैं तो ज्यादा मिस कर रही हूँ। वहाँ होती ना तो सामने बैठ के देखने में और भी मजा आता। या तो हमें भी बहुत याद आ रही है आपकी दादी। I'm really missing you. बहुत याद आ रही है आपकी और आप सबकी भी। हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, भगवान करे ये सब जल्दी से निपट जाए और आप सब स्वस्थ रहें। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथ हमेशा धोते रहें और न्यूनतम दूरी बना के रखें। और उम्मीद है हम जल्दी आप लोगों से मिलेंगे, और तब तक आप लोग अपने घर में हमारी पुरानी कहानी देखते रहिए और जल्द ही हम आपको अपनी नई कहानी से रूबरू कराएंगे। Until the time, stay home and stay safe.